नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी दोस्तों का मैथ्स वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घूर्णी समरूपता लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो मुझे घूर्णी समरूपता से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, जैसे वृत्त की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, आयत की घूर्णी समरूपता क्या है, वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि घूर्णी समरूपता को भी हम लोग क्लियर कर ले। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आगे कोई घूर्णी समरूपता में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, घूर्णी समरूपता क्या होता है? घूर्णी समरूपता होता क्या है? दोस्तों, नाम से ही लग रहा है घूर्णी समरूपता। समरूपता मतलब रूप उसका समान हो, यानी उसका शेप शेप क्या हो, उसका समान हो, देखने में कैसा लगे, वो ओरिजिनल शेप जैसा लगे। ठीक है, और उसको घूर्णी मतलब उसको अगर हम घुमाते हैं तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पर टोटल रोटेशन करते हैं, यानी पूरा घुमाते हैं 360 डिग्री पर, तो वह जितनी बार ओरिजिनल शेप जैसा दिखे तो वह क्या हो जाएगा, उसकी घूर्णी समरूपता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसको लेकर के चले, पूछे कि किसी लाइन की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, क्वेश्चन में रहेगी किसी लाइन की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, तो हमको लोग इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम लोग 90 डिग्री पर रोटेट करें, अगर हम इसको क्या कर 90 डिग्री पर रोटेट करें तो फिगर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यानी अगर हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर इसको घुमा दें, मतलब इसको रोटेशन रोटेशन मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी आकृति को 360 डिग्री पे क्या करें, हम उसको घुमा दें, तो वो होता है फुल रोटेशन। यानी किसी भी वस्तु को 360 डिग्री पर घुमा दें तो वो उसका होता है पूरा घूर्णन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार पूरा घूम जाना, ठीक है, 360 डिग्री पे क्या होता है, फुल रोटेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें तो कैसा हो जाएगा इसका आकृति? ऐसा हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगर हम इसको फिर से 90 डिग्री घुमा दें इसको, तो फिर कैसा हो जाएगा ये? ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर हम लोग फिर से 90 डिग्री पर घुमा दें तो फिर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। और दोस्तों, इसको अगर हम फिर से 90 डिग्री घुमा दें तो फिर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, आकृति पहले जैसा। तो दोस्तों, इस आकृति को अगर हम लोग 90 डिग्री पर घुमाएं तो कैसा हो जाएगा आकृति? ये ऐसा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। फिर जैसे फिर इसको 90 डिग्री घुमाएं तो फिर क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री घुमाएं तो फिर ऐसा हो जाएगा, और जैसे 90 डिग्री फिर घुमा देंगे यानी 180 डिग्री पर ऐसा हो जाएगा, 270 डिग्री ऐसा हो जाएगा, फिर 360 डिग्री पर फिर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके एक बार कंप्लीट रोटेशन में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट रोटेशन कराएं तो ये कितना बार ओरिजिनल शेप इसका ऐसा था, तो कितना बार इस ओरिजिनल शेप में आया है? एक बार और दो बार। फुल रोटेशन में ओरिजिनल शेप में कितना बार आया? दो बार आया। तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी हो जाएगी, लाइन की घूर्णी समरूपता कितनी हो जाएगी? दो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग घूर्णी समरूपता निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं दोस्तों। अब मान लेते हैं दोस्तों, ये एक आयत है, ये एक आयत है, इसकी घूर्णी समरूपता क्या होगी? तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक आयत ले लेंगे। ठीक है, आयत को क्या करेंगे, हम लोग 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा आयत? ऐसा हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री फिर रोटेट करेंगे, तो फिर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री।
और फिर दोस्तों अगर हम फिर इसको 90 डिग्री पर रोटेट करें फिर कैसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। और फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये आयत जो है दोस्तों ये कितना है, आयत जो है वो कितना है दोस्तों, दो बार जो है सो ओरिजिनल शेप में आया ये और ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये उठ करके इधर से आकर के ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, मतलब ये सीधा हो जाएगा 90 डिग्री में। फिर दोस्तों और इसको फिर घुमाएंगे तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जैसा सेम शेप हो जाएगा जैसा ओरिजिनल का था वैसा ही शेप इसका भी हो जाएगा। फिर अगर इसको फिर 90 डिग्री घुमा देंगे दोस्तों तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, मतलब ये फिर खड़ा हो जाएगा। फिर इसको अगर घुमाए सर और घुमा दें 90 डिग्री तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों फुल रोटेशन में, कंप्लीट रोटेशन में दो बार सेम साइज हो गया, सेम शेप हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, घूर्णी समरूपता दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। दोस्तों हम लोग देखेंगे वर्ग, वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या होगी। तो दोस्तों अगर हम लोग घूर्णी समरूपता वर्ग का निकालते हैं तो अगर हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो भी वैसा ही शेप रहेगा जैसा था, 90 डिग्री घुमा देंगे तो भी वैसा ही शेप रहेगा, 180 डिग्री में वैसा ही सेफ रहेगा, 270 में वैसा ही रहेगा, और 360 में भी वैसा ही रहेगा। ये 90 डिग्री घुमाए तो भी वर्ग ही है, 180 घुमा दिए तो भी वर्ग ही है, 270 घुमा दिए तो भी वर्ग ही है, और 360 घुमा दिए तो भी वर्ग ही है। तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल सेप जैसा ये चारों है। ठीक है दोस्तों, फुल रोटेशन में यानी कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार सेम शेप है, 1, 2, 3 और 4 बार। ठीक है दोस्तों, इसकी घूर्णी समरूपता कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों घूर्णी समरूपता का एक फॉर्मूला होता है, घूर्णी समरूपता बराबर 360 बट्टा थीटा। तो थीटा क्या है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, थीटा कहाँ पर हम थीटा यूज करेंगे और कहाँ पर थीटा यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी आकृति आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आकृति, कोई भी कुछ भी दिया हुआ है आकृति, ठीक है दोस्तों, उसमें यदि सभी एंगल समान हो, ठीक है दोस्तों सभी एंगल समान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू जो एंगल दिया हो, थीटा का यूज हम लोग, थीटा दो टाइप से हम लोग दे सकते हैं दोस्तों। यदि आकृति में सभी कोण समान हो तो थीटा बराबर वह कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आकृति में सभी कोण समान न हो तो थीटा बराबर क्या लेंगे, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों घूर्णी समरूपता का फॉर्मूला होता है 360 बट्टा थीटा। ठीक है, यदि आकृति में सभी कोण समान हो तो थीटा बराबर वही कोण हो जाएगा जो कोण आकृति में है। ठीक है दोस्तों, और यदि आकृति में सभी कोण समान नहीं है तो थीटा बराबर क्या लगा देंगे, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा दोस्तों, इसमें कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग। पहला में क्या निकालते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग निकाले थे लाइन का, तो लाइन में कितना होता है एंगल, 180 डिग्री, और दोनों एंगल ऊपर नीचे दोनों एंगल लाइन में दोस्तों, ये भी एंगल 180 डिग्री और ये भी एंगल कितना, 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, 360 बट्टा 180 बराबर 2, यानी घूर्णी समरूपता लाइन में कितना आ गया था हम लोग को, 2 आया था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग देखे थे आयत, आयत में भी कितना होता है दोस्तों, आयत में भी आया था दोस्तों, सभी सभी कोण तो बराबर थे उसमें, उसमें इसमें क्या, यदि आकृति में सभी कोण समान हो
और आकृति समरूप हो। आकृति समरूप हो यानी आकृति का सभी कोण भी समान हो और सभी भुजाएं भी क्या हो, समान हो, तो हम लोग थीटा बराबर कोण लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आयत में सभी कोण तो समान है लेकिन क्या है, सभी भुजा उसमें समान नहीं है। तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे, हम लोग 180 डिग्री लेकर चलेंगे। उसमें भी क्या करेंगे, 100, उसमें 180 डिग्री लेकर चलेंगे। तो 360/180 बराबर कितना, 2। तो आयत में भी हम लोग को कितना आया था, 2 आया था। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर निकाले दोस्तों, वर्ग का निकाले थे। तो वर्ग में भी क्या करेंगे, 360/, इसमें दोस्तों सभी कोण और सभी भुजा भी समान है तो ये लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4। तो घूर्णी समतल वर्ग का कितना आया था, 4। तो ठीक है दोस्तों, तो घूर्णी समतल का फॉर्मूला होता है 360/थीटा। और दोस्तों थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा यदि आकृति में सभी कोण समान हो और वह आकृति क्या हो, समरूप हो, यानी सभी भुजाएं भी क्या हो उसकी, समान हो, तो हम लोग निकाल देंगे उसको घूर्णी समरूपता में। वो कोण जो होगा उसी कोण लगा देंगे फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, वो घूर्णी समरूपता निकल जाएगा। और दोस्तों यदि आकृति में सभी कोण समान नहीं हो तो उस कंडीशन में हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लगाएंगे, 180 डिग्री। और दोस्तों अगर हम लोग अभी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, सभी कोण भी बराबर, सभी भुजा भी बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, 360/ जो थीटा जो कोण त्रिभुज में है वही हो जाएगा, मतलब 60, यानी घूर्णी समरूपता इतनी इसकी कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग को घूर्णी समरूपता समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।